नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द अपकमिंग सोनी ब्राविया 3। जी हाँ, ये टीवी निकलने वाली है हमारे इंडियन मार्केट में बहुत ही जल्द। और आज के इस वीडियो में मैं आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा अबाउट ब्राविया 3, एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको इतना पता चल जाएगा कि आपको ये टीवी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। नाउ बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, डिस्क्लेमर मानना जरूरी है। प्लीज नोट, दिस इज नॉट अ रिव्यू वीडियो, ये एक हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो नहीं है। अगर आप एक हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं, यू आर बेटर ऑफ वॉचिंग सम अदर वीडियो, बेटर स्किप आउट नाउ। पर अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं अबाउट ब्राविया 3, देन यू हैव कम टू द राइट प्लेस। तो दैट्स इट, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये कौन से जो रेंज है उसमें फिट होती है। नाउ प्रायर टू दिस होल नेमिंग कन्वेंशन ऑफ ब्राविया 2, ब्राविया 3, ब्राविया 7 एंड ब्राविया 9, सोनी की नेमिंग कन्वेंशन अलग थी। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। उन्होंने हाल ही में ब्राविया 2 लॉन्च किया हुआ है। ब्राविया 2 टेक्निकली रिप्लेसेस देयर X70 सीरीज, यानी आपका X74L था, X75L था। सो ब्राविया 2 टेक्निकली रिप्लेसेस दैट X70 सीरीज, जो उनकी एंट्री लेवल LED TVs हैं। दे आर जस्ट स्टैंडर्ड LED TVs, दे आर नॉट QLEDs। एंड इन बजट टीवीज में, यानी चाहे वो ब्राविया 2 हो, चाहे वो X75L या X74L हो, उसमें आपको डॉल्बी विजन तक नहीं मिलता इन एन HDR स्टैंडर्ड। सो अबव द X70 सीरीज, सोनी की लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे X80 सीरीज आ रही थी, यानी X82L फॉर इंस्टेंस। अब X82L अगर आप नोटिस करेंगे, सोनी की कोई भी लिस्टिंग, सोनी की कोई भी एडवर्टाइजमेंट में आपको एक टर्म दिखेगा कॉल्ड ट्राई ल्यूमिनस प्रो। ये वर्ड को ध्यान से जरा देखेगा और समझिएगा कि ट्राई ल्यूमिनस प्रो एक्चुअली में क्या है। अब ट्राई ल्यूमिनस प्रो, सोनी इनफैक्ट हैव बीन द पायनियर्स ऑफ यूजिंग क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी, जो हम सैमसंग LG टीवीज में देखते हैं, हाइसेंस टीवीज में देखते हैं, जिन्हें हम मोस्ट पॉपुलरली बोलते हैं QLED टीवीज। अब ट्राई ल्यूमिनस प्रो सोनी के एक्चुअली में QLED टीवीज है। जैसे सैमसंग फॉर इंस्टेंस अपने QLEDs को QLEDs ही बुलाते हैं। आपका हाइसेंस अगर आप नोट करेंगे, दे डोंट कॉल देयर QLEDs QLEDs, दे एक्चुअली कॉल इट ULEDs। अगर आप बॉक्स देखेंगे हाइसेंस की, तो आपको पता चलेगा जब आप एक टीवी लेंगे हाइसेंस की, उसमें QLED नहीं लिखा होगा, उसमें लिखा होगा ULED। वैसे LG की जो एंट्री लेवल QLEDs है, उन्हें LG बोलती है QNED। जैसे QNED सीरीज 70 आता है, QNED 80 आता है, और QNED 90 जो टेक्निकली एक मिनी LED है, पर वो भी QLED है। तो अलग अलग जो कंपनीज हैं, वो अपने टीवी को अलग अलग टर्म देते हैं। सोनीज टर्म फॉर QLED TVs एक्चुअली इज ट्राइल्यूमिनस प्रो, बिकॉज इसमें क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी का यूज होता है। इनफैक्ट अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि दे हैव रियली बीन द पायनियर्स ऑफ यूजिंग क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी। तो सोनी की जो X80 सीरीज रही है, वो रही है ट्राई ल्यूमिनस प्रो डिस्प्लेस। एंड सिमिलरली दिस ईयर्स ब्राविया 3 टेक्निकली विल बी रिप्लेसिंग दिस X80 सीरीज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ब्राविया 3 में भी आपको ट्राई ल्यूमिनस प्रो डिस्प्ले मिलेगा, विच टेक्निकली मेक्स इट अ QLED, नॉट जस्ट अ स्टैंडर्ड LED। एंड दिस विल रिप्लेस सोनी की X80 सीरीज जो है, जैसे X82L। सो दिस इज वेयर इट फिट्स। और अगर आपको पता है, X82L के सारे फीचर्स ब्राविया 3 में मिलेंगे, जैसे डॉल्बी विजन, यस आपको मिलेगा। यहां पे आपको बेस रिफ्लेक्ट स्पीकर्स भी मिलेंगे, आपको और भी सारे जो फीचर्स जो X82L थे उससे कंटिन्यू हुए हैं। राइट फ्रॉम लास्ट ईयर ऑनवर्ड्स इन द X80 सीरीज दे स्टार्टेड गिविंग आपका ब्राविया कोर एज वेल। ब्राविया कोर क्या है? ब्राविया कोर इज नथिंग बट देयर ओन इनबिल्ट मूवी, आप बोल सकते हैं लाइब्रेरी, जहां पे आप मूवीज खरीद सकते हैं, या आपको कुछ क्रेडिट मिलेंगे जब आप ये टीवीज लेंगे, वो क्रेडिट को एक्सचेंज करके भी आप मूवीज को डाउनलोड कर सकते हैं। ब्राविया कोर इज नथिंग बट समथिंग लाइक देयर ओन प्लेटफॉर्म जहां पे वो मूवीज रखते हैं। जैसे अगर आप एप्पल टीवी लेते हैं, तो वहां पे एप्पल टीवी होता है, यू कैन गो एंड बाय मूवीज फ्रॉम देयर एज वेल। सो ब्राविया कोर इज वेरी सिमिलर टू दैट। नाउ आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट अ होल लॉट ऑफ फीचर्स इन दिस टीवी, बट जैसे उन्होंने अपने साइट पे भी लिखा हुआ, आई एम जस्ट गोना फोकस ऑन अ फ्यू थिंग्स हियर। आई एम गोना स्टार्ट विद द स्मार्टनेस ऑफ दिस टीवी। अब सबसे पहले तो ये टीवी गूगल टीवी OS के साथ आएगा। नाउ अनफॉर्चुनेटली डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दिस इज कमिंग विद गूगल टीवी OS, इसमें आपको सिर्फ 2 GB का RAM और 16 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा, विच अकॉर्डिंग टू मी
इज अ माइनस, क्योंकि मैं हमेशा से एक ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह बोलते आया हूं अपने ऑलमोस्ट ऑल एंड्रॉइड टीवी या गूगल टीवी वाले वीडियोस में कि नाउ टेलीविजन मैन्युफैक्चरर्स शुड गिव 3GB रैम एंड 32GB इंटरनल स्टोरेज, बिकॉज नो मैटर विच ब्रांड यू आर बाइंग, चाहे आप ये TCL की गूगल टीवी लें या सोनी की गूगल टीवी लें, 2GB रैम एंड 16GB जो इंटरनल स्टोरेज है वो कम पड़ ही जाएगा. आफ्टर अ फ्यू मंथ्स योर टीवी विल स्टार्ट परफॉर्मिंग इन अ लैगी वे. आपका सोल्यूशन ये है कि आप मेमोरी कैश को क्लियर कर सकते हैं. बट गुड न्यूज इज दैट गूगल टीवी है, तो गूगल टीवी के सारे जो एप्स आपको मिलते हैं ऐप स्टोर के द्वारा वो मिलेंगे. आपको मीडिया प्लेयर्स भी बढ़िया बढ़िया मिलेंगे, जैसे VLC प्लेयर हो गया, MX प्लेयर हो गया, आपको ही गूगल जो गूगल असिस्टेंट है वो मिल जाएगा, क्रोमकास्ट यहाँ पे बिल्ट इन होगा, एप्पल एयरप्ले का सपोर्ट है यहाँ पे, तो एलेक्सा का भी सपोर्ट आपको मिल रहा है यहाँ पे. सो यू गेट अ होल लॉट ऑफ फीचर्स दैट कम अलॉन्ग विद गूगल टीवी OS, और सारे एप्स आपको मिलते हैं गूगल टीवी OS में. कैमरा को फिट कर सकते हैं, रिमोट भी इसका सेम है. I mean, जैसे आप पिछले साल के भी रिमोट्स देखेंगे, इट्स गॉट दैट स्लीक लुकिंग रिमोट विच इज प्रीटी गुड अकॉर्डिंग टू मी. ये था इसकी जो स्मार्ट फीचर्स है. अब व्हाट अबाउट द पिक्चर? नाउ जैसे कि मैंने कहा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज दैट दिस इज अ QLED डिस्प्ले, बिकॉज इट सेज ट्राई ल्यूमिनस प्रो, यानी QLED. अब इसमें आपको इसकी लिस्टिंग में एक चीज इंटरेस्टिंग दिखेगी, स्पेसिफिकली जब आप इंडिया की लिस्टिंग देखेंगे उसमें लिखा होगा 50Hz का डिस्प्ले है. लेट मी अगेन टेल यू दैट दे आर यूजिंग जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड है उसको लेके 50Hz बोल रहे हैं. बट अगर आप फाइन प्रिंट में जाएंगे आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप फाइन प्रिंट देखेंगे, मैं इसे थोड़ा सा ब्लो अप भी कर देता हूं और मैं यहां पे हाईलाइट करके आपको क्लियरली दिखाता हूं कि दिस टीवी कैन एक्चुअली सपोर्ट, सॉरी दिस वाली सेक्शन 60Hz. ये हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा है? गलत वाला सेक्शन हाईलाइट हो गया था. लेट मी जस्ट इंक्रीज द साइज ताकि आप यहां पे देख लें. ये देखिए, अगर आप इसकी लिस्टिंग में जाएंगे, सी वेर आई एम हवरिंग द माउस, वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है 4K 60Hz भी ये कर सकता है. तो दिस इज एक्चुअली अ 4K डिस्प्ले विद 60Hz वाली रिफ्रेश रेट. अब पैनल टाइप क्या है? पैनल टाइप जनरली ट्राई ल्यूमिनस प्रो में IPS पैनल्स ही मिलते हैं. डायरेक्ट LED का बैकलाइटिंग होता है. दीज आर नॉट मिनी LED TVs. एंड ऑब्वियसली इसमें कोई भी फुल अरे लोकल डिमिंग नहीं होगा. फुल अरे लोकल डिमिंग उनके और भी एक्सपेंसिव टीवी से आपको मिलेगा, बट इसमें नहीं है. ये 60Hz वाला पैनल है. इसमें आपको मोशन फ्लो XR200 भी मिलेगा, जो टेक्निकली अगर आप US वाली एडवर्टाइजमेंट देखेंगे उसमें 60Hz लिखा होगा, मोशन फ्लो XR240 लिखा होगा. टेक्निकली दिस इज द सेम. It is actually motion flow XR200 wali 240 only, and it's a 60Hz panel because you can have 60Hz here. Again, this is following the British Broadcasting Standard for advertisement. Jaise ki maine kaha, so picture will be good because this is going to be a bright enough panel. Brightness will be more or less slightly better than X82L ki. Again, these are IPS panels. Main specifically 55-inch wali baat kar raha hu. Frame dimming is not local dimming, so frame dimming पिछले वाले मॉडल्स में भी था, सो इस वाले मॉडल्स में भी आपको मिलेगा. एंड इन टर्म्स ऑफ पिक्चर रिलेटेड कोई भी फीचर्स जो है इसके अलावा, आपको यहाँ पे जो वो इंजन यूज करते हैं, जो उनकी इंजन को वो बोलते हैं एक्स रियलिटी प्रो इंजन, जो उनके हर एक मॉडल पे राइट टिल द टॉप मॉडल, द गुड थिंग इज दैट यू हैव द एक्स रियलिटी प्रो इंजन हियर एज वेल. तो आपको इस इंजन का एडवांटेज मिलेगा बिकॉज सोनी की जो एल्गोरिथम्स है they are fantastic. I was just talking to one of our brothers in the chat, jahan pe we were having a discussion about the number of dimming zones. Jaise ki TCL or Hisense mein agar aap dekhenge, it's like kiska aur bada hai, kiska aur zyada hai, kind of a conversation. So please note that the number of dimming zones may not be necessarily the most important thing. Why? Because agar aap X90L le le as an example, उसमें तो हाइसेंस के तरह 240 या 386 zones नहीं है. You have less than 100 dimming zones in that. But the less than 100 dimming zones in that is going to perform much better than 240 or 380 zones of something like a Hisense in the X90L. Why? Because it's the algorithm as well. It's the implementation as well. So numbers ही सब कुछ नहीं होते. यहाँ पे implementation भी important है. I use Samsung की AU9070. It's an edge lit panel. अगर मैं panel की backlighting के type में ना, अगर किसी भी backlighting को rate करूँगा, सबसे नीचे आएगा edge lit. Edge lit के बाद होगा direct lit के बाद होगा mini LED. तो edge lit is right at the bottom. But उसकी implementation जो है Samsung ने जो की है, the edge lit looks as good as a direct lit backlighting because there is no dirty screen effect, there is no light bleed, nothing in my Samsung AU9070. So it depends on that as well, right?
तो यहाँ पे आपको वो नोट करना है. हालांकि आई एम हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन इन अ मॉडल विच डज नॉट इवन हैव डिमिंग ज़ोन्स, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल दैट उनकी जो एक्स रियलिटी प्रो वाली जो इंजन है दैट कम्स इन द हायर एंड टीवीज एज वेल, एंड इवन इन दिस यू विल गेट द एक्स रियलिटी प्रो. सो आपको जो पिक्चर क्वालिटी है वो खिल के नजर आएगी, और मोशन फ्लो XR 200 है, नॉट मोशन फ्लो XR 100 जो आपको इनके सस्ते टीवीज में भी मिलेंगे. जैसे अगर आप X74L लेंगे तो उसमें आपको मोशन फ्लो XR 100 मिलेगा. तो दीज आर अ फ्यू ऑफ द थिंग्स व्हेन इट कम्स टू द पिक्चर क्वालिटी. नाउ व्हाट अबाउट साउंड? अगर हम साउंड की बारे में देख लेंगे तो लेट्स गो ओवर साउंड एज वेल. इसमें 20 वॉट्स के स्पीकर्स हैं, बेस रिफ्लेक्स स्पीकर्स हैं इसमें जो आपको मिलेंगे. सोनी के जो 20 वॉट्स के स्पीकर्स हैं ना, दैट इज नॉट बैड. Because I've spoken about speakers and given you an example of TCL TVs as well. Unke 24 watts could sound actually better than a 40 watt from Blaupunkt or a 60 watt from Blaupunkt. Similarly, Sony's 20 watts bass reflex speakers are gonna sound much better than, let's say, a 40 or a 60 watt or a Blaupunkt TV. Just giving you an example, ताकि आपको एक context मिले. तो यहाँ पे आपको बेस रिफ्लेक्स स्पीकर्स मिल रहे हैं, आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल रहा है, पर वन थिंग दैट इज मिसिंग हियर इज डीटीएस का सपोर्ट. अनफॉर्चुनेटली आपको डीटीएस का सपोर्ट नहीं मिल रहा है. सो इफ यू आर अ ब्लू रे प्लेयर लवर, आपको पता होगा कि ब्लू रे जनरली में कितना डीटीएस एक्स यूज होता है, तो यहाँ पे आपको वो कमी थोड़ी सी महसूस होगी, बट कॉम्पेंसेट कर देता है बिकॉज इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस मिल रहा है, डॉल्बी विजन भी मिल रहा है. इनफैक्ट अगर मैं पिक्चर के बारे में बात कर लूं, आपको X74, X75L में Dolby Vision नहीं मिलता है, आपको Bravia 2 में Dolby Vision नहीं मिलता है, पर Bravia 3 में अब आपको Dolby Vision भी मिलेगा. So even in terms of HDR standard, it is pretty good. TV की डिजाइन मिनिमलिस्टिक है, आपको कम बजल्स मिलेंगे, बट कंपेयर टू अदर टेलीविजन मैन्युफैक्चरर्स फ्रॉम द बजट ब्रांड्स लाइक TCL हो गया, Hisense हो गया, यहाँ पे इसके बेजल्स जो है वो फिर भी थोड़े से कंपेरेटिवली स्लाइटली मोटे हैं इन कंपेरिजन टू दीज अदर बजट ब्रांड्स. पर हाँ, it's, you can say, pretty slim and it's a good-looking, sleek TV. And Sony's build quality has always been good and it is still good. So, build quality is pretty good. In terms of gaming, unfortunately, aapko yahan pe na hi to variable refresh rate ka support mil raha hai aur na hi to native 120Hz ka support mil raha hai. So, this is a 60Hz panel and that's it. No variable refresh rate, but yes, you've got auto, jo dynamic color tone mapping hota hai. ऑटो एच डी आर जिसे बोलते हैं, टोन मैपिंग वो दे रहे हैं यहाँ पे. अपार्ट फ्रॉम ऑटो एच डी आर टोन मैपिंग, आपको ऑटो लो लेटेंसी मोड का सपोर्ट मिल रहा है, आपको एक डेडिकेटेड गेम मोड मिल रहा है. अगर आपके पास प्ले स्टेशन होगा, आप उसे कनेक्ट करेंगे, डायरेक्टली गेम मोड में चले जाएगा. वो जनरली कोई भी टीवीज में हो जाता है यार, दिस इज जस्ट लाइक एडवर्टाइजिंग सेक के लिए, उनको कुछ ज्यादा मिला नहीं तो ये डाल दिया उन्होंने. पर या सी, सोनी इन टर्म्स ऑफ लैग, इन टर्म्स ऑफ लेटेंसी इज नॉट बैड व्हेन इट कम्स टू गेमिंग. आप You can stream your PlayStation games to your Bravia as well. So, वो वाला option भी आपको मिल रहा है. So, these are some of the features जो आपको मिल रहा है. जैसे PlayStation का उन्होंने handle अभी निकाला हुआ था device, जिससे आप stream कर सकते थे अपने PlayStation 5 की gameplay को over to that device. So, similarly, you can even stream it over to your Bravia TV because इसमें आपको remote play app मिल रहा है और वो remote play app use करके आप इसे stream कर सकते हैं. So, आपको game settings मिल रहा है, but then again, let me tell you that this does not have 120Hz, so that is sorely missing. And what is sorely missing, especially for PC gamers, is variable refresh rate. Dolby Vision for gaming ka aapko yahan pe support mil raha hai, and obviously yahan pe HDMI 2.1 ka standard hai, but please note, this is not 4K 120fps. Ye yahan pe thoda sa galat likha hua hai, kyunki agar aap iski rating dekhenge, I mean in terms of refresh rate, तो उन्होंने रिफ्रेश रेट स्पेसिफिकेशंस में क्लियरली मेंशन किया हुआ है दैट दे कैन ओनली गो अप टू 60Hz. यहां पे देखिए 60Hz, ये वाला जो सेक्शन देख रहे हैं, दैट्स इट. सो इवन इन 1440p और इन 1080p यू कांट डू 120Hz. इट इज अ 60Hz पैनल अक्रॉस ऑल रेजोल्यूशंस, 4K, 2K, फुल HD, यहां तक कि इवन 720p. तो दिस इज बेसिकली इट. आई मीन और कुछ ज्यादा देखने का है नहीं यहाँ पे. इको मोड है एक, जो मैं हमेशा बोलता हूँ आप ऑफ ही कर दीजिएगा, बिकॉज आई डोंट लाइक एम्बियंट लाइट वाली जो टेक्नोलॉजी, आई डोंट लाइक इट. आई जनरली कीप इट ऑफ इन ऑल माई टीवीज, क्योंकि इट एक्चुअली मेसेस अलॉन्ग विद द HDR परफॉर्मेंस एंड टीवी की ब्राइटनेस. सो आई जस्ट कीप इट ऑफ. सो दिस इज प्रीटी मच इट एज फार एज Bravia 3 गोज. नाउ आप अगर सोच रहे हैं कि इसकी प्राइस क्या होने वाली है, अगर मैं बाय बटन भी दबा देता हूँ, प्राइस इसकी क्या होने वाली है, एट द मोमेंट इसकी जो प्राइसिंग है वो ना ही तो आपको सोनी की मेन साइट पे मिलेगा, ना ही तो शॉप एट SC में मिलेगा, बट
द प्राइसिंग इज गोना बी वेरी सिमिलर टू X82L. तो अगर मैं X82L की प्राइसिंग देख लूं, फॉर इंस्टेंस यहां पे अगर मैं चला गया सोनी टीवी पे एंड लेट्स डू एन X80L. एक्चुअली मैं आई शुड टेक अ लुक एट X82L, नॉट ATL. लेट्स डू X82L. ऑलराइट, तो ये रहा इसकी प्राइसिंग. तो अगर आप 55 इंच की प्राइसिंग देखेंगे विच इज रफली अबाउट 78,990, एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ ब्राविया 3 ऑल्सो टू बी इन द सेम रेंज बिकॉज दिस इज टेक्निकली द रिप्लेसमेंट फॉर द X82L वाली जो सीरीज थी. सो द प्राइसिंग विल बी आइदर सिमिलर और 2000 रुपीज और 3000 रुपीज मोर देन X82L. सो दैट इज वॉट विल कॉस्ट यू इफ यू गो टू बाई द ब्राविया 3 इन 55 इंच. तो ये रही इसकी प्राइसिंग भी कब अवेलेबल होगी. दिस विल डेफिनेटली बी अवेलेबल वेरी सून. प्राइम डे की सेल भी आने वाली है ऑन द 20th एंड द 21st ऑफ दिस मंथ विच इज जुलाई 2024. सो आई थिंक दिस टीवी ब्राविया 3 विल बी मेड अवेलेबल बिफोर दैट और प्रोबेबली ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड एज वेल. एंड आई एम सेइंग अ कपल ऑफ वीक्स इज वॉट यू कुड बी लुकिंग एट इन टर्म्स ऑफ इट्स रिलीज डेट टू बी purchasable either offline, online or both in say about a couple of weeks from now in terms of availability. तो मैंने आपको almost all information दे दी है about Bravia 3 आज के वीडियो में. और अगर आपके कोई सवाल है इस टीवी को लेकर के और अगर आप सोचते हैं कि whether you should buy this TV, yes, I mean you can buy this TV. Its budget is not a constraint. अगर आपको एक QLED चाहिए from Sony TV with Dolby Vision Standard, with HDMI 2.1, एक चीज मैं आपको बताने भूल गया. The good thing is कि इसमें चार HDMI ports है. That is a plus. तो वो अच्छी चीज है. मेरे हिसाब से you can buy this TV. You are paying for the Sony brand, not for anything else. क्योंकि आपको उस बजट रेंज में you will get many better TV alternatives from the budget range like TCL की C755. Hisense की U7N भी रिलीज हो गई है at 79,990, यानी 80,000 में आपको एक मिनी एलईडी टीवी मिल रहा है with over 1300 nits of brightness, with 4K 120Hz, with variable refresh rate, with 49 watts की sound output. So that is a comparatively better price to value ratio TV in my personal opinion. But अगर आपको एक ब्रांड ही चाहिए वो भी सोनी ही और वो भी एक QLED ही from Sony in a price range of around 80 to 85,000 for a 55 inch TV, then you can go with Sony Bravia 3. It's not a bad TV, it's a good TV, but here in India, unfortunately, Sony TVs are ridiculously overpriced. That's just my personal opinion, but it's a good TV to buy, is what I would say. So, agar aapke koi sawal hai is TV ko lekar ke ya fir koi dusre TVs ko lekar ke bhi, please let me know in the comment section. Main aapke har ek sawal ka jawab aap tak jald se jald pahuncha dunga. Par aaj ki video ke liye itna hi. Jaane ke pehle मेरी ये दरख्वास्त है आप लोगों से, इफ यू जस्ट हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, साथ ही में बेल आइकन जरूर दबा दिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा बिकॉज यूट्यूब एल्गोरिथम के साथ वो हेल्प करता है. आई गेट ब्राउनी पॉइंट्स व्हेनेवर यू शेयर दिस वीडियो. सो अगर आपके दोस्त यार परिवार वालों को एक टीवी की जरूरत है, वो टीवी लेना चाहते हैं, शेयर दिस वीडियो, शायद वो इस टीवी के बारे में और ज्यादा जानेंगे और वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे व्हेन दे आर आउट टू बाय अ टीवी, स्पेशली इन 2024. नाउ विद दैट सेड, इट्स अ रैप फॉर दिस वन. हम मिलेंगे अगले वीडियो में. तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल.